जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। बिहार में भाजपा ने लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी जीत की गोटी सेट करने में लग गए हैं। वहीं बात करें पटना साहिब लोकसभा की, तो यहां से फिर से भाजपा के वर्तमान सांसद रविशंकर प्रसाद को ही पटना साहिब से एक बार फिर प्रत्याशी घोषित किया गया है। लेकिन इस बार पटना साहिब की जनता अपने सांसद रविशंकर प्रसाद से पिछले साल का लेखा जोखा खोज रही है। अपने सांसद से गुस्साए पटना साहिब की जनता ने इस बार बगावत का रुख अख्तियार कर लिया है। बख्तियारपुर से लेकर फतुहा के कई जगहों पर सांसद के विरोध में मतदाताओं ने पोस्टर बैनर लगाकर अपने गुस्से का इजहार किया है। फतुहा बाजार में कई जगहों पर रविशंकर प्रसाद का पोस्टर लगाकर यह लिखा गया है कि रविशंकर प्रसाद पटना साहिब लोकसभा का पनौती है। साथ ही दीवारों पर भी यह वॉल पेंटिंग के माध्यम से लिखा गया है कि पूछे पीपा फूल और फतुहा का जाम, बताओ सांसद तुमने क्या काम किया। इस तरह से पोस्टर और बैनर वाले विरोध से सारा पटना साहिब अटा पड़ा है। एक तरफ से कहे तो क्षेत्र का संपूर्ण विकास ना होने से क्षेत्र की जनता नाराज है और इस बार मतदान का बहिष्कार का ऐलान भी कर दिया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं क्षेत्र की जनता। देखिए, आज तक मुख्यमंत्री के गांव में जो रोड चला गया है रवाइच होकर के, रवाइच को वंचित किया गया इस रोड से। हमारे सांसद जी 5 साल में रवाइच का कोई खोज खबर नहीं लिए हैं और हमेशा लापता रहते हैं। ऐसे सांसद पर क्या भरोसा किया जाए। इसलिए आज हम लोग ये मुआवजा के एवज में हम लोग वोट का बहिष्कार करते हैं, पूरे ग्रामवासी, रवाइच ग्रामवासी। तो क्या इस बार रविशंकर जी को वोट नहीं करेंगे? पूरे गांव मिलकर के ये निर्णय लिए हैं कि वोट जो है हम लोग बहिष्कार करेंगे। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? ये जो विरोध हो रहा है, इस विरोध को एक कार्यकर्ता होने के नाते किस नजरिए से देख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि विरोध तो सबसे पहले जायज है, क्योंकि जिस तरीके से सांसद साहब ने पिछले जो 5 साल का कार्यकाल है फतुहा विधानसभा में, 5 सालों में उन्होंने जब कार्यकर्ता को दर्शन नहीं दिया तो आम लोगों को क्या दर्शन दिए होंगे वो तो आम लोग ही बता सकते हैं। और उनसे मिलने के लिए तो वही आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, और पटना में तो जितने भी उनके कुछ खास लोग हैं वो आपको मिलने नहीं देंगे। जब मिलने नहीं देंगे तो काम की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो मतलब कि ये इस तरह जगह जगह जो पोस्टर बैनर लग रहा है वो क्या सही है? आखिर जनता अपना गुस्सा क्यों दिखा रही है? देखिए, जनता तो गुस्सा दिखाएगी ना, जनता तो गुस्सा दिखाएगी। जो 5 सालों में जो 5 सालों में जो कोई कार्य नहीं हुआ, जो 5 सालों में जो सांसद साहब जो दिखाई नहीं दिए फतुहा विधानसभा में, तो जनता तो चाहेगी। जब कार्यकर्ता के पास उनको आने का कोई समय नहीं रहा, कार्यकर्ता से मिलने का कोई समय नहीं रहा, खासकर फतुहा विधानसभा में जो हालात है उन्होंने जीतने के बाद आज एक बार भी दर्शन नहीं दिया है। लेकिन वो तो कहते हैं कि नए क्षेत्र में जाते हैं, तो आखिर किसके पास जाते हैं? अब तो वो वही बताएंगे कि किसके पास वो जाते हैं, किसके पास नहीं जाते हैं, वो तो सांसद साहब बताएंगे। लेकिन हम तो एक कार्यकर्ता के नाते बता रहे हैं कि हमारे पास तो हमारे क्षेत्र में, ये फतुहा विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने जीतने के बाद एक बार भी क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया होगा, और हम लोगों ने जो भी काम करने के लिए दिया है उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो क्या लगता है इस बार आप इस बार विरोध है जारी रहेगा? नहीं, विरोध ये तो ऊपर जो जो हमारे राष्ट्रीय टीम में जो बैठे हुए हैं, जो उनको सोचना चाहिए कि इस तरीके का जो सांसद है उनको टिकट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। वो तो शीर्ष नेता है वो बिहार के। और आप विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब मतदान करें उनके समर्थन में मतदान करेंगे या विरोध में? नहीं, हम तो हमारे विरोध करने से, यदि एक कार्यकर्ता का विरोध करने से यदि टिकट चेंज हो जाता है तो हम तो भाई विरोध करेंगे ही, क्योंकि यहाँ पे जितना हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, जितना हम लोगों ने कार्यक्रम उनको जितना चर भर के हम लोगों ने वोटिंग करवाया उसके हिसाब से हम लोगों को रिजल्ट क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हम लोगों के क्षेत्र में तो कोई विकास ही नहीं हुआ, तो भाई उस तरह का फिर सांसद को वोट करवाने का आना करवाने का तो कोई फायदा है नहीं। देखिए, जब लोग विरोध कर रहे हैं, जनता विरोध कर रही है, तो बेवजह जनता विरोध नहीं कर रही है, इसका वजह भी है। और वजह है कि सांसद जो
नरेंद्र मोदी के नाम पर अब की बार जो बयार और हवा के नाम पर जो जीत के जाते हैं दिल्ली के बाद फिर चुनाव में ही वो लोग आते हैं। और विशेष तौर पे हमारे यहाँ सांसद का तो मैं हम लोग यहाँ रह रहे हैं यही देख रहा हूँ कि एक बार जो चुनाव जीतते हैं ये लोग चले जाते हैं, बाकी फिर चुनाव के समय ये आ रहे हैं। और जब चुनाव के समय आ रहे हैं तो लोग उन बातों को करते हैं। अब बात देखिए, मैं कह रहा हूँ जो दो पंचायत को गोद लेने की बात हुई थी, तो जो भी पंचायत गोद लिया गया है वो अभी तक गोदिए में बचवा रह गया है। पुर को लिए थे और एक ये जो मंदिर जो है खुसरूपुर के पास में नरौली, दो गांव को लिए थे। अब इस पर हम नहीं जा रहे हैं कि यही दो गांव क्यों हैं और इसकी जातीय समीकरण क्या है, मैं इस सब पे नहीं जाना चाहता हूँ क्यों यही दो गाँव को लिए। अरे जो दो गाँव को दो पंचायत को इन्होंने लिया, वही दो गाँव को जो विशेष तौर पर सांसद को एक निर्णय बनाई थी, ये सरकार नीति बनाई थी कि हम मतलब कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत पूरे देश और भारत को देखेंगे और विशेष तौर पे एक सैंपलिंग के विधि के तहत एक नमूना गांव बनाएंगे, एक सैंपल गांव बनाएंगे और उस गांव को हम लोग या पंचायत को हम लोग डेवलप करके अब भाजपा एक मॉडल देने का काम करेगी। स्मार्ट सिटी का भी ऐसा ही उन्होंने वादा किया था। अब उस गांव का जाके देखिए आप, वो गांव जिस तरह से गोदी में उनके गाँव गोद में गया ना, वो गोदिए में है उसी तरह से बचवा बढ़ता उड़ता नहीं है, न फलता है न फूलाता है, नेचुरल विकास भी नहीं हो रहा है। वो टॉनिक और जो बूस्टअप देने की बात कहे थे वो तो छोड़ दिए, बेअसर है। उसका जो समान विकास है वो भी नहीं हो सका है। तो बताइए अब विरोध कब किया जाए? चुनाव के समय भी जागरूक मतदाता को तो हमेशा पाँचों साल उसकी खोज खबर रखनी चाहिए, लेकिन जगह जगह बैनर पोस्टर भी लगा दिया गया रविशंकर जी के खिलाफ में। देखिए विरोध का एक तरीका है, जिनको जो तरीका माध्यम आया है वो लोग पोस्टर से कर रहे हैं। अभी आप हम मिल गए तो हम अपनी वर्चुअल बातों से कर रहे हैं, लेकिन ये विरोध जो है बिल्कुल जायज है। विरोध का वजह क्या है? देखिए किसी भी जनप्रतिनिधि हो या सांसद हो या विधायक हो, उनका विरोध क्यों होता है? वो जीतने के बाद अपने क्षेत्र में मतलब कोई विकास कार्य पे ध्यान नहीं देते हैं, जीतने के बाद जनता से मिलते नहीं हैं, और जैसा कि हमारे लोकसभा क्षेत्र पटना साहिब से फिर से रविशंकर जी को मिला है टिकट, तो इनसे तो मतलब जनता बहुत रुष्ट है। काफ़ी मतलब ट्रेन ठहराव का ये मुद्दा हो, फतुहा स्टेशन पे और बंका घाट स्टेशन पे बहुत सारे मुख्य कुछ ट्रेनों का ठहराव के लिए दिया गया था, पर उस पर कुछ नहीं हुआ। और अच्छा, शिक्षा उच्छा का कैसा है? फतुहा औद्योगिक क्षेत्र है, शिक्षा कॉलेज उलेज का क्या स्थिति है? फतुहा में तो आप देखिए कि कोई महिला के लिए कोई बढ़िया कॉलेज नहीं है, महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है। या तो उनके पास एक विकल्प है निजी कॉलेज में जाएं एडमिशन कराएं, या बिहार के बाहर जाकर पढ़ें, यही उनके पास एक विकल्प है। फतुहा में एक बढ़िया बालिका महिला विद्यालय होना कॉलेज होना चाहिए था, महाविद्यालय होना चाहिए था। हाँ, जनता तो बहुत रुष्ट है। एक बार जीतते हैं हमारे सांसद साहब और फिर सीधा दिल्ली जाकर बैठ जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं क्षेत्र में। क्या नाम हो गया? मेरा नाम चंदन यादव हुआ।